अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद इजहार अली शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजहार अली शाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो दूसरे वीडियो से मुख्तलिफ होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको अपने मिनी रैबिट फार्म का विज़िट करवाने वाला हूँ और इंशाल्लाह इसी चैनल पर हम ये वीडियोज़ कंटिन्यू करेंगे। आज से तकरीबन 6 से 7 महीने पहले हमने ये फॉर्म स्टार्ट किया जिसकी शुरुआत में काफ़ी बच्चे ज़ाये हुए क्योंकि जब हम रैबिट के पैर को लेकर आए तो हमें पता नहीं था कि किस तारीख को इसने बच्चे देने हैं, जिसकी वजह से शुरुआत में इसके बच्चे ज़ाया हुए। पर धीरे धीरे काफ़ी केयर करने के बाद बच्चे ग्रो करने लगे और आज अल्हम्दुलिल्लाह इनकी तादाद काफ़ी बढ़ चुकी है। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ एजेस के रैबिट्स मौजूद हैं। 10 दिनों से लेकर 6 महीनों तक के रैबिट्स हमारे पास मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक पेयर से इतने सारे बने हैं। खरगोशों में सबसे अच्छी बात यह है कि वो खाना ज़ाया नहीं करते, वो सूखा घास भी खाते हैं, हरी घास भी खाते हैं। और इसके अलावा घर में जो सब्जी वगैरह बच जाती है वो भी खाते हैं। इसके अलावा बाजरा, मकई और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो खरगोश खाते हैं। इंशाल्लाह आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं उसके जवाब दूंगा अगले वीडियोस में। और इंशाल्लाह इसके अलावा पोल्ट्री फार्म के हवाले से, गोट फार्म के हवाले से भी आपको मज़ीद वीडियोस में बताऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई भी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के ज़रिए बताएँ कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आपको मज़ीद ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।